हेलो फ्रेंड्स और सभी को नमस्कार। मैं संदेश और बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि प्रीलिम्स में वीडियो बनाइए, जैसा कि प्रीलिम्स डिफिकल्ट होता जा रहा है हर साल। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया भी है कि दो बार मैं प्रीलिम्स क्लियर किया हूं और जीएस का कट ऑफ मैंने तीनों बार क्लियर किया है, 21 में, 22 में और 23 में भी। अब 24 के लिए बहुत सारे बच्चों ने बोला कि प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है, दो बार मैंने दिया, 22 दिया, 23 दिया, नहीं निकल पा रहा है, प्रीलिम्स से कुछ स्पेसिफिक जानकारी दीजिए। तो आज का वीडियो मेरा इसी विषय पे है, 24 के लिए आपकी रणनीति कैसे होनी चाहिए, हम अपने स्ट्रेटजी को और रिफाइन कैसे कर सकते हैं ताकि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, जो हर बार हर्डल बन जा रहा है, मेंस हम लिख नहीं पा रहे हैं। कब कुछ बच्चों से मैंने बात किया तो बोले दो तीन बार से मेरा मेंस का तैयारी अच्छा है लेकिन हम लिख नहीं पा रहे हैं। तो आज प्रीलिम्स के लिए मैं कुछ आपको चार पाँच चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, चार पाँच इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा, इसको आप फॉलो करेंगे तो आपका तैयारी थोड़ा अच्छा हो जाएगा और आपके स्कोर बढ़ेंगे प्रीलिम्स में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 26 मई, 26 मई को आपका प्रीलिम्स है, अभी से आप देखें तो 7 महीने के आसपास टाइम है। तो मेरी अब सलाह होगी, अभी आप 1-2 महीने मेंस को दे दीजिए, एटलीस्ट दिसंबर तक आप मेन एग्जाम का तैयारी कीजिए। जनवरी से 5-6 चीज़ें मैं बताऊंगा, उसको आप उस पर आप ध्यान दीजिए। पहली बात है टाइम, कितना टाइम हमें देना चाहिए 24 के प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स चूंकि डिफिकल्ट हो चुका है लेकिन कितना टाइम दिया जा सकता है मैक्सिमम, तो मेरी अब सलाह माने तो सही टाइम जो है आप जनवरी से दे सकते हैं, जनवरी से लेकर और मई तक। इससे ज़्यादा टाइम देना भी कोई चलाकी नहीं है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। अगर आपका होने वाला है, आपकी तैयारी अच्छी है और आपने सही से सोर्सेज को पढ़ा है तो 5 महीने कम नहीं होता है। जनवरी से मई तक आप जबरदस्त मेहनत करेंगे, 10-11 घंटे रोज पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। ये रही टाइम के बाद, आप 1 जनवरी से 2 जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स मोड में। सीसेट चूंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है तो सीसेट के लिए आप चाहें तो दिसंबर के लास्ट से मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, उसको डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये रही एक बात कि आप जनवरी से स्टार्ट करें जीएस का। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सोर्सेज। आपको अपने सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। सबसे बड़ा दिक्कत यही आती है बच्चों को कि सोर्स हमने बहुत सारे मटेरियल हम ले लेते हैं अलग अलग कोचिंग से, अलग स्टैंडर्ड बुक्स भी ले लिए, कोचिंग से मटेरियल भी ले लिए, अब रिविजन नहीं हो पा रहा है। आपके पास 3-4 महीने समय होते हैं प्रीलिम्स का समय, आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सोर्सेज आपके बहुत ज्यादा हो गए हैं, टाइम कम पड़ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको सोर्सेज को लिमिटेड करना होगा। एक टाइम के बाद आपको जो भी अपने सोर्स आपने चुना है, स्टैंडर्ड बुक्स हो, चाहे स्पेक्ट्रम हो, लक्ष्मीकांत हो, या फिर कोचिंग का मटेरियल हो, करंट अफेयर्स के मैगजीन हो, उस पर आपको विश्वास करना होगा कि मेरा यह सोर्स है, मैंने बाउंड्री ड्रॉ कर दिया है, अब इसी के अंदर हमको रिवाइज करते रहना है और इससे पढ़ के मेरा हो जाएगा, मुझे जितना स्कोर चाहिए 85-90 नंबर वो आ जाएंगे प्रीलिम्स में। तो आपको सोर्स जो भी हो, सोर्स मटेरियल जो भी हो, उस पर आपको विश्वास करना होगा। एक लिमिटेड सोर्स आपका होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है इस तैयारी में, चाहे वो मेंस हो या प्री हो। तो इस पे आप ध्यान देंगे कि कौन से सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं और उसको लिमिटेड करें। तीसरी चीज जो क्या है वो है फोकस ऑन कोर एरियाज। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो 4-5 कोर एरियाज हैं जो आप जानते हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है एंड पॉलिटी है। पिछले 2-3 साल में क्या देखा गया है, 20 के बाद यूपीएससी ने ट्रेंड को बदला है, उसमें देखा जा रहा है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। पहले ज्योग्राफी के क्वेश्चन कम आते थे लेकिन जब आप 23 का पेपर देखेंगे तो इसमें ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन थे, सिर्फ ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आए 23 के पेपर में, जो कि एक बहुत ही रिवर्स ट्रेंड है। पहले जो इकोनॉमी से आते थे पेपर, हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, वो अब ज्योग्राफी से आ रहे हैं 20 क्वेश्चन। इन्वायरमेंट से आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट से 15 क्वेश्चन थे। अब आप समझ सकते हैं कि केवल ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट मिलाकर, जो कि रिलेटेड माने जाते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इससे मात्र 33-34 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस पर आपको ध्यान देना होगा, ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, इन्वायरमेंट को स्ट्रॉन्ग करना होगा, वर्ल्ड मैप्स, इंडिया के मैप्स को पढ़ना होगा, करंट में जो प्लेस चर्चा में है जैसे इजराइल हो गया, अभी यूक्रेन हो गया, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन आया भी है 22 में, इन सब को आपको रिवाइज करते रहना होगा। ज्योग्राफी बहुत ही रिवार्डिंग है, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट बदले पैटर्न में, तो इसको आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है। 1/3 पेपर यहाँ से आ रहा है। उसी तरह हिस्ट्री, हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़े कम हुए हैं इस बार इकोनॉमी के, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ये 5 कोर एरियाज है आपके और पांचों को स्ट्रॉन्ग करना होगा। पांचों आपके कोर एरियाज अच्छे हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आपको आप मिस नहीं कर सकते हैं, गलती नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है। तो ये 5 कोर एरिया को आप स्ट्रॉन्ग करें, जैसे मैंने लिखा है, ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी पर ज़्यादा फोकस करें, उसी तरह इन्वायरमेंट पे भी, बाकी चीज़ों पे भी फोकस करना है। लेकिन तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तीसरा चीज़ जो है, चौथी बात, करंट अफेयर्स हमेशा चैलेंज रहता है यूपीएससी वालों के लिए, चाहे अदर एग्जाम के लिए भी।
तो करंट अफेयर्स के लिए कितना पढ़ा जाए, करंट अफेयर अथवा समुद्र है, इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कितना पढ़ा जाए, एक लिमिट के बाद मैं बोला आपके सोर्सेज पर विश्वास करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 3 बार के प्रीलिम्स में, 3 बार मैंने जीएस क्लियर किया है, 100 से मेरे ज्यादा नंबर भी आए हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं करंट अफेयर में अगर आप सितंबर से लेकर और मार्च तक, सितंबर से लेकर मार्च तक के करंट का परिचय तैयार करें इस 7-8 महीने से, तो मैक्सिमम करंट के क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और लॉजिक ये नहीं दीजिए कि एक क्वेश्चन तो 2 साल पहले से आ गया था, क्या एक क्वेश्चन के लिए आप 2 साल का करंट पढ़ेंगे, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन के लिए आप 2 साल करंट क्यों पढ़ेंगे, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप बेसिक सोर्सेज जो है आपके 7-8 महीने में जो चीजें हुई हैं उसको आप 2-3 बार पढ़ लें, आप ज्यादा क्वेश्चन सही कर देंगे। लॉजिक ये है, सोर्सेज को लिमिटेड रखना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, ना कि 2 क्वेश्चन के लिए हम 2 साल का करंट पढ़ें, ये लॉजिक आप गलत हो जाएगा। तो मेरा मानना है आप सितंबर से स्टार्ट करें और मार्च तक पढ़ें करंट अफेयर के लिए। आप क्या सोर्सेज क्या रेफर कर सकते हैं, 2 सोर्सेज हैं, एक है मैगजीन है कोचिंग, किसी भी कोचिंग का आप मैगजीन ले सकते हैं, और दूसरा जो है न्यूज़पेपर है, किसी को छोड़ा नहीं जा सकता है, दोनों पढ़ने हैं, एक मैगजीन दूसरा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को आप शॉर्ट में पढ़ें, 1 घंटे में आप न्यूज़पेपर पढ़ लें, कुछ समरी तैयार कर लें हाफ पेज में हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का, तो रोज आप पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर 1 घंटे में, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग का मैगजीन, चाहे विजन हो बाजीराम हो, दोनों में से किसी, दोनों मैगजीन बहुत अच्छे हैं, दृष्टि का भी अच्छा है हिंदी मीडियम के लिए, तो मैगजीन आप पढ़ सकते हैं। और मात्र आपको सितंबर से लेकर मार्च तक का मैगजीन पढ़ना है, उसमें भी पूरा मैगजीन नहीं पढ़ना है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूरा मैगजीन आपको नहीं पढ़ना है। मैगजीन 100 पेज से ज़्यादा का होता है, मगर आपको 50 पेज से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। प्रीलिम्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट होता है, आप 50 पेज सिलेक्टिव होकर पढ़ें, जो टॉपिक प्रीलिम्स में आ सकते हैं वो आप पढ़ें, उससे आपका हो जाएगा। सिलेक्टिव होना है करंट अफेयर में, समुद्र में डूबना नहीं आता है, तो ऐसे आप करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं कम समय में भी, 6-7 महीने का करंट पढ़ के। पांचवी बात क्या है, देखिए रिवीजन की बात, आखिर कितना बार रिवीजन किया जाए, जो भी आपके सोर्सेज हैं कितना टाइम रिवीजन, कम से कम आप जो भी सिलेक्टेड लोग हैं उनका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस कहता है एटलीस्ट 3 रिवीजन होने चाहिए प्रीलिम्स के पहले। जो भी आपके सोर्सेज हैं उसका कम से कम 3 रिवीजन होने चाहिए, पहला रिवीजन और दूसरा रिवीजन बहुत ही एडजस्टिव होगा, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ेंगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप अगर टाइम फ्रेम फॉलो करें तो पहला रिवीजन आप जनवरी फरवरी में कर सकते हैं, 2 महीने में आप फर्स्ट रिवीजन अपना कंप्लीट कर सकते हैं जो भी आपके सोर्सेज हैं उसके। दूसरा रिवीजन मार्च और अप्रैल में आप दूसरा रिवीजन कर सकते हैं, 2 रिवीजन आप कर सकते हैं जनवरी से अप्रैल तक। और तीसरे की बात आती है जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में, यहाँ आपको ध्यान देना है कि आप उस चीज़ों को रिवाइज करेंगे जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, जहाँ से क्वेश्चन एकदम आना ही आना है जिस थीम से, उस चीज़ों को आप शॉर्ट टाइम में रिवाइज करेंगे, वो आपका रिवीजन होगा मई में। 20-25 दिन आपको मिलेंगे मई में, 26 मई को है, उसमें 20-25 दिन में आप उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे जो एकदम एक्सपेक्टेड है, आने ही आने क्वेश्चन है, ऐसे कुछ थीम्स हैं, उस चीज़ों को रिवाइज करेंगे आप मई में। तो 3 रिवीजन बहुत ज़रूरी है, 3 रिवीजन आप करेंगे, बीच बीच में टेस्ट लगते रहेंगे। लास्ट बात मैं बोलूँगा कि आखिर टेस्ट टेस्ट सीरीज के पीछे बच्चे भागते रहते हैं, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मैंने 100 टेस्ट लगाया, 80 टेस्ट लगाया, कुछ भी बोल देते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, टेस्ट सीरीज आपका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है, ये आप लिख के रख लीजिए, टेस्ट सीरीज आपका नंबर नहीं बढ़ाएगा। टेस्ट हम इसलिए लगाते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने की समझने की क्षमता डेवलप हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कितना अटेम्प्ट करना है, कहाँ कहाँ हम छोटी छोटी गलती कर रहे हैं उसको सुधारने के लिए, ना कि आपके नंबर बढ़ाने के लिए टेस्ट सीरीज लगाया जाता है। क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, आप छोटी छोटी गलती को अवॉइड करें, सावधानी से पेपर अटेम्प्ट करें, इसलिए हम टेस्ट लगाते हैं, नंबर आपका नहीं बढ़ेगा टेस्ट से, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आप अगर मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, 25 से 30 टेस्ट भी आप लगाते हैं, 25 से 30 टेस्ट भी आप लगाते हैं अपने तैयारी के दौरान, तो इनफ होगा, वो इनफ है। और टेस्ट सीरीज से ज़्यादा जरूरी है UPSC का 2-3 साल का PYQ, एटलीस्ट आप 21, 22 और 23 3 साल का PYQ देख के जाएं, 3 ईयर्स 21 का देख सकते हैं, 22 का देख सकते हैं और 23 का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप PYQ देखें, उसको बनाएं, उसको सॉल्व करें, उससे सीखें कि कैसे क्वेश्चन को टेकल किया जाए, कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं कुछ हद तक, CSET हो चाहे GS हो। तो टेस्ट सीरीज 20 से 25 टेस्ट आपका पर्याप्त है, इसको आप कहें, और नंबर से ज़्यादा ना तो एक्साइटेड होने की जरूरत है ना डिप्रेस होने की जरूरत है, नंबर जो आ रहे हैं आपके ठीक है, इंप्रूव होना चाहिए। मेन आपको UPSC का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो UPSC के पेपर को आप देखें, 22 को 23 का पेपर जो डिफिकल्ट है उस पेपर को देखें आप कितना कर पा रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके इन 5-6 बातों पर आपको बहुत ही ध्यान देना होगा, और इन सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपका UPSC प्रीलिम्स में आपके नंबर बढ़ेंगे। अपने पे विश्वास को रखना होगा, पैनिक नहीं होना, एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है ये सब आप करें, CSET के लिए मैथ रीजनिंग को रिवाइज करें, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान देंगे तो आप प्रीलिम्स में अच्छा कर सकते हैं।
मुझे लगता है वीडियो आपको हेल्प करेगा, और सभी को धन्यवाद, अगले वीडियो मिलेंगे, नमस्ते।